आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पूर्व मेयर सुरेंद्र सिंह राज्यपाल से की मांग, 70 साल से रेलवे की 2000 बीघा खाली पड़ी जमीन को पट्टे पर लेकर वहां पर हॉस्पिटल, कॉलेज, हायर एजुकेशन स्कूल व मैरिज प्लेस बना दें। अर्थ प्रकाश की विशेष रिपोर्ट। बात करते हैं मौली जागरा के एक्स सरपंच ठाकुर करतार सिंह जी से। मौली जागरा की भी काफ़ी सारी जमीन जो है रेलवे बोर्ड ने एक्वायर की थी, तो अब आपकी क्या मांग है रेलवे से? 1952 में रेलवे ने एक्वायर कर ली थी ज़मीन, अभी तक वो ज़मीन जंगल बना हुआ है। वो जहाँ वहाँ बिल्कुल क्रिमिनल और दिन दिहाड़े इंसिडेंट होते हैं, मर्डर कत्ल सारा कुछ वहाँ चल रहा है, लेकिन वहाँ जंगल है, कोई उसी पशुध लेने वाला नहीं है। हमने अपने टाइम में ग्राम पंचायत के 5 किला ज़मीन थी, 5 एकड़ ज़मीन थी, तो उस ज़मीन में हमने 2-3 गांव के बीच में आती है, और जिस तरह मक्खन माजरा, रायपुर कला, बैलाना, उसमें स्टेडियम के लिए लिख कर दिया। उसमें अब ठेके खुल गए हैं, शराब के ठेके खुल गए हैं उसमें, लेकिन स्टेडियम नहीं बना, कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं है। अगर ये रेलवे की ज़मीन जो मेयर साहब ने बताया आपको, इसमें कोई ऐसे चीज़ें बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। इस एरिया में ना तो कोई स्टेडियम है बच्चों के खेल कूद के लिए, कोई साधन नहीं है, ना कॉलेज है, बच्चे भटकते हैं, हॉस्पिटल नहीं है। केंद्र सरकार के इस फैसले से जहां मनी माजरा, दड़ुआ, मौली जागरा गांव के लोगों को बड़ी उम्मीद जगी है कि रेलवे की ज़मीन पर इस प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की बिल्डिंगें बन सकती हैं, चाहे वो कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो या फिर खेल का मैदान हो। अब देखना यह है कि गवर्नर और प्रशासक इस बात को कितना संजीदगी से लेते हैं और रेल केंद्र सरकार की इस योजना का फ़ायदा उठा पाते हैं। मैं करमजीत सिंह, अर्थ प्रकाश, लाइव, चंडीगढ़ से। सितंबर के पहले हफ्ते ही केंद्र सरकार द्वारा रेलवे की ज़मीन को पट्टे पे 5 साल से बढ़ाकर 35 साल कर देने पर आज पूरा मेयर चंडीगढ़ के पूरा मेयर सुरेंद्र सिंह जी ने गवर्नर पंजाब व प्रशासक चंडीगढ़ को व एडवाइज़र को एक पत्र लिखा है, जिसमें कि चंडीगढ़ रेलवे के की जो ज़मीन खाली पड़ी है, जो पिछले 70 सालों से खाली पड़ी है, उस ज़मीन पर सरकार द्वारा ही कुछ मूलभूत सुविधाओं को बनाने की एप्लीकेशन दी है। उन्होंने मांग रखी है कि इस जो ज़मीन खाली पड़ी है उस पर सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल खोले जाएँ ताकि आम लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो आइए बात करते हैं पूरा मेयर सुरेंद्र सिंह जी से। सर, आपने क्या मांग रखी है गवर्नर साहब? हमने ये मांग रखी है, एक्चुअली जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी कैबिनेट में 1 सितंबर 2022 ये फैसला किया कि हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पर भी रेलवे की ज़मीन खाली पड़ी है उसको पट्टे पे या नॉमिनल रेंट पे हम पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए, जैसे हॉस्पिटल, कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर या और जो भी है लोगों का लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है उसके लिए दे सकते हैं। वहाँ से मेरे को ये बात मन में आई कि मनी मायरा के अंदर कम से कम रेलवे की 2000 बीघा ज़मीन खाली पड़ी है, और ये ज़मीन टोटल 3000 बीघा थी, जिसमें 2300 बीघा मनी मायरा की 1952-53 में एक्वायर हुई और तकरीबन 700 बीघा मौली की और दड़ुआ गांव की एक्वायर हुई। इसमें से आज तक रेलवे डिपार्टमेंट ने 1000 बीघा से ज़्यादा यूज़ नहीं की। 2000 बीघा ये ज़मीन रेलवे स्टेशन की रोड से लेकर नेशनल हाईवे जो है कलाग्राम से होती हुई इसके आसपास मौली गांव तक ये 2000 बीघा खाली पड़ी है। हमने ये रिक्वेस्ट की है कि इसमें एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज दिया जाए जिसमें सारी स्ट्रीम्स हों, एक स्कूल दिया जाए और एक इसमें मैरिज पैलेस बनाया जाए। चंडीगढ़ के लोग जीरकपुर में जाते हैं, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के रेवेन्यू का भी लॉस होता है, परेशानी भी होती हैं, सड़कों पर जाम लगता है, और इधर के जो चंडीगढ़ का ये सुखना चौ से उल्ली तरफ का पूर्व का एरिया है, इस एरिए के बच्चे चंडीगढ़ पढ़ने जाते हैं, कहीं दाखिला नहीं मिलता, दूर दराज स्कूलों में मिलता है, गरीब बच्चों को 10-10, 25-25 किलोमीटर जाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए,
और एक शॉपिंग मॉल की भी हमने कहा है कि यहाँ शॉपिंग मॉल हो, एक ही मॉल जो बना है चंडीगढ़ में उसमें भी रश रहता है। और इसका रिजल्ट क्या है कि चंडीगढ़ की सड़कों पर इसका बहुत प्रेशर बढ़ गया, ट्रैफिक बढ़ गई है और लोगों को परेशानी होती है। जो हमारी मांग यही है कि अगर गवर्नर साहब से यही निवेदन है, एडवाइज़र साहब से भी निवेदन है कि आप कृपया रेलवे से नॉमिनल रेंट पे या नॉमिनल लीज पे पब्लिक पर्पज़ के लिए ज़मीन लेकर ये चीज़ें बनाएं। एक जगह हमने और भी पॉइंट आउट की है, रेलवे स्टेशन से जो आईटी पार्क को रोड जाती है और रेलवे लाइन के बीच ये 40 एकड़ का टुकड़ा 1952 का अक्वायर हुआ पड़ा है। ये 40 एकड़ आज भी यूज़ नहीं हुआ, 30 साल इसको हो गए, 70 साल पहली ज़मीन रेलवे की अक्वायर हुई उसको हो गए। तो इतने सालों से खाली ज़मीन रखना ये एक तरह का न्याय अन्याय है। किसानों को उसी टाइम आउट कर दिया गया था और आज तक खाली पड़ी है, तो सरकार को जगह पब्लिक पर्पज़ के लिए यूज़ करनी चाहिए। लेकिन सर उसमें से कुछ जगह इन्होंने हरियाणा विधानसभा के लिए अलॉट की है, तो वो कैसे होगा मैनेज? अगर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने हरियाणा विधानसभा के लिए माना है 10 एकड़ देने के लिए तो दे दें, तब भी वो चंक 30 एकड़ का बचता है, उस 30 एकड़ में भी ये सारी चीज़ें बन सकती हैं, लोगों को सहूलत दी जा सकती है, रेलवे से जगह लेकर भी दी जा सकती है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी इस पर अपना एक्शन ले और ये सारी सुविधाएं लोगों को दे। सर आपने अपने मेयरकाल के दौरान यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज की भी एक रखा था, प्रपोजल रखा था कि यहाँ गर्ल्स कॉलेज बनेगा, लेकिन वो आज तक वो प्रपोजल ही रह गया, उस पर कोई काम नहीं हो पाया। मेरे समय में एक कॉलेज हमने सेंक्शन कराया था जो तकरीबन 10 एकड़ जगह थी, पॉकेट नंबर 9 में था वो, और उसमें 1.5 एकड़ के करीब डिस्प्यूट था, सुप्रीम कोर्ट में का स्टे था, वो इसलिए उस टाइम पेंडिंग हो गया था। बाद में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने इरादा बदल दिया कि हम ये चंडीगढ़ सेक्टर 51-52 में कॉलेज बनाएंगे। हमने फिर बड़ा जोर दिया, हमारे नेता पवन बंसल जी ने बड़ा जोर दिया, बार बार लिखा, ये दोबारा फिर शुरू हुआ है, यहाँ शांति हो चुकी है। एक तो मैं ये कहता हूँ कि उस कॉलेज को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, दूसरा यहाँ जो हम एक एक्स्ट्रा कॉलेज मांग रहे हैं इसको आप को एजुकेशनल बना दीजिए, लड़कियाँ भी पढ़ लेंगी, लड़के भी पढ़ लेंगे, और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ होना चाहिए। मेरे साथ ये दड़ुआ के एक सरपंच हैं साहब कुलवंत सिंह जी बैठे हैं, और उधर ठाकुर करतार सिंह जी मौली जगरा के सरपंच हैं रहे हैं, ये इन गांवों की भी ज़मीन रेलवे में ने ली थी। तो हमारा सभी का दुखांत, सबसे बड़ा तो दुखांत पहले ये है कि हमें सुविधाएं नहीं मिलती, और दूसरा दुखांत ये है कि किसानों को उस टाइम आउट कर दिया गया क्वेश्चन के टाइम, आज तक जगह खाली पड़ी है। तो ये से आपके यहाँ से भी जमीन अक्वायर की गई थी, तो कोई अभी कोई सहूलियत मिली है उसकी? सर काफ़ी साल हो गए, 70 साल हो गए, हमारी ज़मीन भी अक्वायर हुई थी वहाँ पे, गांव के वालों की और लोगों की भी ज़मीन अक्वायर हुई थी। वो अभी दड़ुआ गांव के सामने जहाँ पे रेलवे का माल लोडिंग अनलोडिंग होता है, सारी खाली खाली पड़ी है 70 साल से। वहाँ पे जंगल है, लोग खुले शरेआम लेटरिन जाते हैं, पेशाब जाते हैं, वहाँ पे कोई ना पार्क बनाया ना कोई पेड़ लगाया, खाली पड़ी है, कोई प्रपोजल नहीं वहाँ पे गवर्नमेंट की है रेलवे की वाले की। इसलिए इनको वहाँ भी, या अगर विधानसभा को वहाँ जगह दे रहे हैं 10 एकड़ करीम वाली लैंड है वो, पे जो रेलवे लाइन पार्ले पास किशनगढ़ की बगल में है, वो जगह बहुत है, वहाँ पे 50-40 एकड़ जो वहाँ जगह पड़ी है रेलवे की, रेलवे स्टेशन के साथ में सामने, वहाँ उसमें विधानसभा बना दें तो अच्छा, एक साइड में चले जाएगा सारा, पब्लिक का रश कम हो जाएगा चंडीगढ़ में आना जाना, रेलवे स्टेशन जिसने बाहर से आना और रेलवे स्टेशन से उतरेगा वहाँ पे अपने काम करिएगा वहाँ पे। तो दड़ुआ में बच्चों को स्कूल या कॉलेज जाने के लिए चंडीगढ़ ही जाना पड़ता है, दड़ुआ में कॉलेज वगैरह? हाँ, वो बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है वहाँ भी बच्चों के लिए, वो स्कूल तो वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए, कॉलेज वहीं कॉलेज भी बन सकता है वहाँ पे। सुरेंद्र सिंह ने बताया है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो 10वीं पास कर लेते हैं उसके बाद फिर चंडीगढ़ जाना पड़ता है उनको, क्यों ना इधर इसी साइड में बनाया जाए, स्कूल भी बनाया जाए हाई लेवल का कोई। और यहाँ पे और भी एक बड़ी, पीछे गवर्नमेंट ने प्रपोजल बनाई थी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में 4 मैरिज पैलेस चाहिए,
अभी तक कोई मैरिज पैलेस मेरे ख्याल गवर्नमेंट ने कोई बनाया नहीं, फिर प्रपोजलें बना लेते हैं छोड़ देते हैं ऐसे ही। मेरा 20 साल तो हमारे को देखते होंगे, अफसरों ने प्रपोजलें बना लेते हैं छोड़ देते हैं, काम कोई चंडीगढ़ में हो नहीं रहा। चंडीगढ़ पे जरूर लगे हुए हैं, चंडीगढ़ नंबर 66 पे आ गया था सिटी ब्यूटीफुल बनाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल मुश्किल ही बनेगा क्योंकि कॉलोनियल साइडों में बहुत बन गई, लोग बहुत आ रहे हैं इधर, कोई सामलात में मकान बना रहा है लोगों को, जो डीलर लोग हैं ना जो लैंड माफिया हैं, वो बिना विदाउट रजिस्ट्री बिना पावर टानी राजपुरे बना दी या इधर बना लिया, वो करके लोगों को लूट रहे हैं बस, ये उन लोगों को सही रास्ते नहीं पाते, या तो सीधा कह दे भी हाँ कॉलोनी। बातों बातों में एक बात निकली मैरिज पैलेस की, तो आइए बात करते ऑल मनी मरिया वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान एसएस फुरवाना से, कि आपने मैरिज पैलेस की कोई मांग की थी प्रशासन से? मैंने ऐसे इतनी कोई मांग की, मैं तो मकाना के वास्ते दो तीन बारी जाया भी, जेडे मकान आ इन्हे मैं बने हुए पुराने उन्होंने एनओसी दी जाए, जे दो बच्चे आ लड़के एक बाप के दो बच्चे आ उन्होंने ना जो मकान आ वो होना चाहिए और अलग नंबर होना चाहिए। ये दो तीन डिवांडा रखिया और मेयर ने खुद वायदा भी किया, चलो चार मरले वाला तो नहीं मेरे हक से मेरे हाथ से, मैं दो मरले वाला। नहीं आपने मैरिज पैलेस की कोई मांग रखी नहीं अभी? वैसे मैरिज पैलेस की यहाँ जरूर चाहिए होना चाहिए, ये असं जरूर कहेंगे। हाँ आपने मेमोरेंडम, तो आइए बात करते हैं मौली जागरा के एक्स सरपंच ठाकुर सिंह जी से। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।